दोस्तों ये बोलेरो पिकअप है, गाड़ी हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था तो पूरा वायरिंग वायरिंग सब जो है खिंचा गया था, इसको देखिए गाड़ी हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। सारा इसका वायरिंग दिखाएंगे किस तरीका से इसका वायरिंग रहता है पूरा, इसका सारा डैशबोर्ड वगैरह सब खुले हुए हैं। तो देखिए ये सब जो है वायरिंग हमारा ये है सब ऐसी, इसको पहले बिना डैशबोर्ड कर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे कि गाड़ी हमारा स्टार्ट है कि नहीं है। देखिए सब वायरिंग जो है सब एक एक कॉपलर जो है यहाँ पर लगा दिए हैं। अब ये सब जो है डैशबोर्ड में लगेगा, ये हमारा स्कैनर वाला ओबीडी है, ओबीडी वाला जो है, और बाकी यहाँ पे जो है इसका लगा दिए हैं फिल्टर वगैरह का। अब ये मेन वायरिंग आपको दिखाते हैं इसका, देखिए मेन वायरिंग देखिए यहाँ पे है एसीएम वाला, तो एसीएम वाला देखिए यहाँ पे सब हमारा कॉपलर सब लग गया है। और ये देखिए कौन कौन तार कहाँ कहाँ जाएगा सब जो है इसमें दिखाएंगे। ये देखिए ये अंदर से बाहर से जो आ रहा है यहाँ से स्टेयरिंग व्हील के पास से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी कनेक्टर है मेन, देखिए यहाँ पे इसका फ्यूज है, फ्यूज भी इसमें है हमारा। सारा इसमें मॉइस्चर लगा हुआ था तो इसको हम साफ किए हैं। अब गाड़ी को देखिए स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, दिखाते हैं गाड़ी हमारा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। आपको एक एक वायर दिखाएंगे कि कैसे कैसे वायर हमारा है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेगा। ये देखिए हमारा वायर जो है मीटर में दो तार लगा हुआ है, ये भी हमारा वायर लगेगा सब यहाँ से जो डैशबोर्ड पर है, देखिए इसमें रहेगा ये वाला चीज, ये इसमें लग जाएगा कपलर, और बाकी ये वायर जो है डैशबोर्ड लगेगा तो उसमें लगेगा। और सारा देखिए यहाँ पे भी हमारा फ्यूज है, फ्यूज बॉक्स यहाँ पे भी रहता है और रिले रहता है, ये सब कपलर जो है फ्यूज जो ऐसी लगेगा ना ये जब डैशबोर्ड, तो सब जो है कॉपलर लगेगा। कोई कोई कॉपलर जो है इसी फालतू का है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आपको दो रिले है, मेन वायरिंग जो है हमारा वहाँ पे है। देखिए इस गाड़ी में इग्निशन ऑन कर रहे हैं, तो हमारा देखिए इग्निशन ऑन कर दिया लेकिन इसका चेक लाइट जो है आया नहीं है तो गाड़ी हमारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले चेक लाइट का काम करते हैं। यहाँ पे छोटा सा फ्यूज बॉक्स रहता है जो कि फ्यूज बॉक्स जो है पूरा दम जो है एक्सीडेंट होने के बाद से पूरा टूट गया है, तो इसमें पता नहीं चल रहा। तो इसमें जो है 60 नंबर का फ्यूज जो है लगा के इसमें देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले हम इग्निशन ऑन कर रहे थे तो इसमें चेक लाइट नहीं आ रहा था, तो देखिए अब चेक लाइट वाला काम किए तो देखिए इसमें मीटर पे दिखाते हैं चेक लाइट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए चेक लाइट हमारा नहीं आ रहा था, आ गया है। अब गाड़ी को ऐसे ही इसको स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को देखिए हम सेल्फ मारने जा रहे हैं, गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया है, हमारा काम कर रहा है।